से शुरू में ही जो हमने यहाँ पर एक स्थान नियुक्त किया है हमने यहाँ पर, इसमें बेसिकली क्या कि 3 कमरे होने अनिवार्य हैं और इसमें एंट्री आने का रास्ता और जाने का रास्ता भिन्न होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर इसकी एंट्री और एग्जिट अलग से है। जब भी कोई यहाँ पर लाभार्थी, यहाँ पर जो भी आदमी वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पर आएगा, उसको सबसे पहले हमारा जो वैक्सीन ऑफिसर जो है नंबर 1 यहाँ पर गेट पर खड़ा हुआ होगा, वो उसको वेरीफाई करेगा, उसके जो उसके पास कागज वगैरह होंगे, उसके जो उसके मोबाइल में मैसेज आया होगा, फिर वो उसको वैक्सीन, उसके बाद उसको वेटिंग हॉल में जो है अंदर 5-5 बंदे वेटिंग हॉल में जाएंगे इनिशियल स्टेज के ऊपर, ये शुरू में ऐसा कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद उन बंदों के जो रिकॉर्ड है, जो उसके कागज़ हैं, जैसे अभी तो आधार कार्ड शुरू नहीं किया, जो उनका अपना पैन कार्ड है उसको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेज के ऊपर वो लोग वैक्सीन ऑफिसर के पास जाएंगे जहां उसको वैक्सीनेशन दी जाएगी। लेकिन कल वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, कल केवल उसकी डमी रिहर्सल की जाएगी। उसमें यदि किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए कुछ दिक्कत होती है, बल्कि मॉक ड्रिल में यहाँ तक किया जा रहा है, यदि कोई कॉम्प्लिकेशन होती है उसमें रिस्पॉन्स टाइम कितना रहेगा, इस बात को भी हम लोग उसमें देखेंगे। हम लोग एक वहाँ पे मॉक ड्रिल में किसी पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स के बारे में हम लोग इन्फॉर्म करेंगे, वहाँ पर कंट्रोल में इन्फॉर्म करेंगे, कंट्रोल रूम से गाड़ी कब तक तो उसको लेने के लिए आती है और यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, उसको ठीक करने का समाधान क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी सारी व्यवस्था की जाएगी।